नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 भारत की खोज का चैप्टर युगों का दौर का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं तलाश का और अहमदनगर का किला का फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 8 का लगभग सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को युगों का दौर का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद भारत किन स्थितियों से गुजरता रहा? तो इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद शुंग वंश प्रभुत्व में आया। उसका शासन अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर था, दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे, उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे। प्रश्न नंबर 2, मेनांडर कौन था, वह किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका उत्तर है, मेनांडर भारतीय यूनानियों का प्रमुख था जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, पर भारतीय यूनानी हार गए। भारतीय चेतना और वातावरण से प्रभावित हो मेनांडर बौद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद नाम से प्रसिद्ध हुआ, बौद्ध आख्यानों में उसे संत कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कुषाण काल में बौद्ध धर्म किस प्रकार प्रभावित हुआ? तो इसका उत्तर है, कुषाण काल तक आते आते बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। इन दोनों के बीच मतभेद उठने लगे, बड़ी बड़ी सभाओं में इन पर विवाद आयोजित किया जाने लगा। प्रश्न संख्या 4, नागार्जुन कौन थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी के विशिष्ट व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के ही बहुत बड़े विद्वान था। उन्हीं के कारण भारत में हीनयान की विजय हुई। प्रश्न नंबर 5, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, गुप्त साम्राज्य के वंशज समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का काल अत्यंत सुसंस्कृत, शक्तिशाली और समृद्ध था। इस काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। प्रश्न संख्या 6, दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के निकट सिमट जाने पर भी वह किस तरह फलता फूलता रहा? इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी दक्षिण भारत बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा। यहाँ दूर दूर के देशों से जहाज का माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानी बस्तियां और रोमन के सिक्के पाए गए। प्रश्न संख्या 7, उत्तर भारत दक्षिण भारत जैसा विकसित क्यों नहीं हो पाया? इसका उत्तर है, उत्तर भारत पर पश्चिमोत्तर दिशा से हमले होते रहे। इन हमलों के कारण बहुत से लोग राजगीर, शिल्पी, कारीगर और आदि दक्षिण भारत में जाकर बस गए। उत्तर भारत हमलावरों की नीतियों, संस्कृति तथा परंपरा से अधिक प्रभावित होते रहे। प्रश्न संख्या 8, विदेशी यहाँ लंबे समय तक शासन करने में सफल क्यों रहे? तो इसका उत्तर है, विदेशी हमलावरों ने जब भी भारत पर हमला किया, वे यहाँ आकर अपनी संस्कृति तथा परंपराओं तक ही सिमट कर न रह सके। उन्होंने जल्दी ही अपने आप को इस देश और इसकी संस्कृति परंपरा में ढाल लिया, इसलिए वे लंबे समय तक शासक बने रहे। प्रश्न संख्या 9, सामाजिक ढांचे और भारतीय दर्शन के बीच दिलचस्प बात क्या है? तो इसका उत्तर है, भारतीय दर्शन और सामाजिक ढांचे के बीच दिलचस्प बात यह है कि भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है। उसकी सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, जबकि भारतीय सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, जिसमें रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। प्रश्न संख्या 10, भारत में किन किन क्षेत्रों में समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है? तो इसका उत्तर है, भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के बीच ही समन्वय किया गया। यहाँ व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास किया गया। प्रश्न संख्या 11, भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम कहाँ मिलता है, उनकी शैली क्या थी?
इसका उत्तर है भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों में मिलता है। रामायण और महाभारत में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। इनकी शैली नाटकीय है। प्रश्न संख्या 12, यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी कब हुई? तो इसका उत्तर है यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी 1789 ईस्वी में हुई, जब कालिदास कृत नाटक शकुंतला का विलियम जॉन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसका अनुवाद किया गया। प्रश्न संख्या 13, भवभूति कौन थे? उत्तर है भवभूति संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। वे 7वीं शताब्दी में नाट्य क्षेत्र के चमकते सितारे थे। कालिदास के बाद इनका ही स्थान है। भारत में भवभूति बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। प्रश्न संख्या 14, संस्कृत भाषा अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित तथा अनेक तरह से अलंकृत है। इस भाषा ने प्रसार होने, संपन्न होने तथा अलंकृत होने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा। यह अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी है। प्रश्न संख्या 15, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के बारे में क्या कहा था? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में संस्कृत की प्रशंसा करते हुए कहा है, संस्कृत भाषा कितनी ही पुरानी हो पर इसकी बनावट अद्भुत है। यह यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण तथा लातिनी के मुकाबले उत्कृष्ट है। इसके अलावा यह दोनों भाषाओं से अधिक परिष्कृत है। देखने में इन तीनों भाषाओं में इतनी समानता है कि लगता है कि इनका स्रोत एक है। प्रश्न संख्या 16, भारतीय उपनिवेशों का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका उत्तर है भारतीय उपनिवेशों का काल ईसा की पहली तथा दूसरी शताब्दी से शुरू होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, अर्थात यह समय लगभग 1300 साल या इससे कुछ अधिक का है। प्रश्न संख्या 17, उपनिवेशों के इतिहास में भारत और चीन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? तो इसका उत्तर है उपनिवेशों के इतिहास में चीन का प्रभाव महाद्वीप के देशों वर्मा, श्याम और हिंद चीन पर तथा भारत का प्रभाव टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर अधिक था। यहाँ भारतीय धर्म और कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। प्रश्न संख्या 18, इंडोनेशिया, जावा, बाली आदि में भारतीय सभ्यता को किस प्रकार बनाए रखा है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया के प्राचीन साहित्य भारतीय पुरा कथाओं और गाथाओं से भरा है। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत के लिए हैं। बाली के छोटे से टापू पर हिंदू धर्म अब भी प्रचलित है। प्रश्न संख्या 19, प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया में किस तरह दिखाई देता है? इसका उत्तर है दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतों और अद्भुत मंदिरों पर दिखाई देता है। जावा में बुद्ध की जीवनी कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। अनेक स्थानों पर विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित हैं। प्रश्न संख्या 20, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव के आधार पर भारतीय संगीत की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव से ज्ञात होता है कि भारतीय और यूरोपीय संगीत में भिन्नता है। भारतीय संगीत बहुत विकसित था। इसने चीन और सुदूर पूर्व के अलावा एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 21, प्राचीन भारतीय व्यापार की क्या स्थिति थी? तो इसका उत्तर है प्राचीन भारतीय व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने सामानों की गुणवत्ता के कारण बहुत से विदेशी बाजारों पर इसका नियंत्रण था। यह व्यापार पूर्वी समुद्री देशों से भूमध्य सागर तक फैला था। प्रश्न संख्या 22, ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारतीयों का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान था? तो इसका उत्तर है ईसवी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान बहुत अच्छा था। भारतीय लोहे और फौलाद की प्रशंसा अन्य देशों में की जाती थी। युद्ध का सामान बनाने के लिए यह उत्तम होता था। धातुओं से आशव और भस्म भी बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 23, प्राचीन भारतीय गणित में
प्रयुक्त अंक किस तरह बेजोड़ थे? तो इसका उत्तर है, आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की भारत में नींव पड़ी। काफी समय तक इसकी प्रगति बाधित रही, पर शून्यांक मिलने पर अंकों का महत्व व्यवहार में बढ़ गया। ये अंक चिन्ह दूसरे देशों में प्रयुक्त तमाम चिन्हों से भिन्न एवं बेजोड़ थे। प्रश्न संख्या 24। ईस्वी के पहले हजार वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भारत किस प्रकार विकसित करता रहा? उत्तर है, ईस्वी के पहले हजार वर्षों में बाहरी हमलों के बीच भी भारत अपना विकास करता रहा। उसने यूनान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से अपना संपर्क बढ़ाया। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहा। गुप्त काल में भारत की खूब उन्नति हुई। प्रश्न संख्या 15। हूनों के आक्रमण का प्राचीन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर पश्चिम दिशा से होने वाले हूनों के आक्रमण से भारत राजनीतिक एवं सैन्य दोनों दृष्टियों से कमजोर हो गया। उनके यहाँ बसने से लोगों में अंदरूनी परिवर्तन हुआ। उनके बर्बरतापूर्ण व्यवहार भारतीय आदर्शों से भिन्न थे। प्रश्न संख्या 26। भारत की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसके कारण वह अपनी शक्ति एवं विकास पुनः पा सका। उत्तर, भारत का हर क्षेत्र में पहले ही ह्रास हो रहा था, परंतु भारत का जीवन शक्ति, अद्भुत दृढ़ता, लचीलापन और अपने को ढालने की क्षमता बची हुई थी। इससे वह नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठाकर शक्तिशाली बना तथा विकास करता रहा। अति लघुतरीय प्रश्न। पहला, तक्षशिला विश्वविद्यालय ने मूर्तिकला और चित्रकला के विकास में अपना परोक्ष योगदान किस तरह दिया? उत्तर, तक्षशिला विश्वविद्यालय आधुनिक पेशावर के निकट था। यहाँ बहुत से राष्ट्रों से आने वाले मिलते थे। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदियनों, यूचियों, ईरानियों, वाक्त्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। इनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभाव के फलस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद का उदय किस तरह हुआ? उत्तर, विदेशी तत्व तथा विदेशी हमलावरों के रस्मों रिवाज अजीब थे। इनकी संस्कृति से भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही थी। इससे भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक आदर्शों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। इनके विरुद्ध लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया। इसमें धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज सभी कुछ शामिल था। तीसरा, हर्ष कौन था? भारतीय इतिहास में उसे क्यों याद किया जाता है? उत्तर, हर्ष सातवीं शताब्दी का वह शक्तिशाली राजा था जिसने भारत से हूनों का साम्राज्य समाप्त किया। उसने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्ष ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उसने अपने दरबार में कवियों और नाटककारों को एकत्र किया तथा अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। वह बहुत दानी था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। प्रश्न संख्या 4। अंग्रेजी शासन के बारे में फैले भ्रम तथा वास्तविकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंग्रेजी शासन के बारे में यह भ्रम फैला है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की थी। यह पूर्णतया भ्रामक है। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेजी राज में देश अवनति की पराकाष्ठा पर था, जिस कारण यहाँ अंग्रेजी राज कायम हो सका। देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई थी। प्रश्न संख्या 5। भारत में विदेशी तत्व किस प्रकार आत्मसात होते गए? उत्तर, भारतीय ढांचा सामुदायिक था। यहाँ सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इसके बावजूद यहाँ समुदाय को लेकर लचीलापन था। सामाजिक नियमों को रीति रिवाजों में से बदला जा सकता था। नए या विदेशी तत्व अपने रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर समाज के अंग बन रहे। इसी लचीलेपन के कारण यहाँ विदेशी तत्व आत्मसात होते गए। प्रश्न संख्या 6। अश्वघोष कौन थे? उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, अश्वघोष संस्कृत भाषा के प्राचीनतम नाटककार हैं। इनका काल ईसा की पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध थे। उनकी रचना बुद्ध चरित बहुत प्रसिद्ध रहा। बुद्ध चरित भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय रहा। प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7, कालिदास कौन थे? भारतीय नाटक में उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? उत्तर, कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे बड़े कवि और नाटककार हैं। उनके बारे में माना जाता है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, विक्रमोर वर्षियम आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 8, लोकमंच नाटकों से किस प्रकार भिन्न थे? उत्तर, नाटक अधिकतर समाज के संपन्न वर्ग तक ही सीमित रहे। इसके अलावा उनकी भाषा शिक्षित समुदाय की भाषा संस्कृत थी तथा इनका प्रचलन पूरे भारत में था। रंगमंच की कथाएं पुराकथाओं और महाकाव्यों से ली गई होती थी। ये क्षेत्रीय बोलियों में रचे जाते थे, इस कारण ये किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते थे। प्रश्न संख्या 9, भारतीय उपनिवेश दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला था, यह किन प्रमाणों से पता चलता है? उत्तर, भारतीय उपनिवेश दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैले हुए थे, इसके अनेक प्रमाण हैं। इनमें भारतीय पुस्तकें, अरबी यात्रियों के यात्रा वृतांत, चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण, बहुत से पुराने ताम्र लेख एवं शिला लेख, जावा बाली का साहित्य, भारतीय महाकाव्य पुराकथाओं, अंगकोर और बोरोबुदुर में इमारतों के विशाल खंडहर प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित तथा उन्नति पर था। ऐसा उस समय बनाए गए जब जहाजों के क्रमिक वर्णन से मिलता है। इसके अलावा अनेक दक्षिण भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों के चित्र तथा अजंता के भित्ति चित्र इसके उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 11, अंगकोरवाट के विशाल मंदिर की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अंगकोरवाट के विशाल मंदिर के चारों ओर खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। इसमें कृत्रिम झील, पोखर और नहरें हैं। इनके ऊपर पुल है। एक बड़े फाटक पर पत्थर के एक वृद्धाकार सिर खुदा है। यह एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ रहस्यमयी कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इसकी मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। प्रश्न संख्या 12, अजंता की गुफाओं की सुंदरता का वर्णन कीजिए। उत्तर, अजंता की गुफाएं हमें वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। इन भित्ति चित्रों पर सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तिकाएं बैठी और खरी श्रृंगार करती हुई या सभा में जाती हुई चित्रित है। इन चित्रों में जीवन के गतिशील नाटक को अत्यंत मोहक ढंग से दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 13, प्राचीन भारत में कपड़ा उद्योग की क्या स्थिति थी? उत्तर, प्राचीन भारत में कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में भेजा जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ बनता था, पर उत्तम किस्म का नहीं। यहाँ कपड़ा रंगने की कला ने खूब विकास किया। यहाँ पक्के रंग तैयार करने का विशेष तरीका खोजा गया था। इनमें इंडिगो नाम का एक नील का रंग होता था। प्रश्न संख्या 14, भास्कर द्वितीय का गणित के क्षेत्र में योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भास्कर द्वितीय का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर 3 ग्रंथों की रचना की। अंक गणित पर लिखी उनकी पुस्तक लीलावती सरल एवं स्पष्ट शैली में है। यह छोटी उम्र के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ संस्कृत विद्यालयों में आज भी इनकी शैली के कारण प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय गणित का ज्ञान फैलाने में बगदाद किस तरह सहायक सिद्ध हुआ? उत्तर, 8वीं शताब्दी में कुछ भारतीय विद्वान गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तक के साथ बगदाद गए। इनसे अरबी जगत में गणित और खगोल का ज्ञान प्रभावित हुआ। वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए। उस समय बगदाद शिक्षा का केंद्र था, जहां यूनानी और यहूदी विद्वान एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन विज्ञान ले गए। अरबी अनुवादों के काल गणित व्यापक क्षेत्र में फैल गई। प्रश्न संख्या 16, वे कौन से कारण थे जिसने भारत ह्रास की ओर बढ़ने लगा?
उत्तर भारत के ह्रास की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण था बार बार विदेशी आक्रमणों का होना। देश के पश्चिमोत्तर सीमा से होने वाले इन आक्रमणों से भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। वे सभी क्षेत्रों में अपना अस्तित्व खोते गए। इसके अलावा समाज की कट्टर जातिवादिता ने भी समाज में ऊंच नीच की भावना फैलाई। प्रश्न संख्या 17, ह्रास की ओर बढ़ते भारत की सामाजिक दशा कैसी हो गई थी? उत्तर, ह्रास की ओर बढ़ते भारत का समाज टूटने लगा। वह अपनी अखंडता न बनाए रख सका। समाज में क्षेत्रीयता, सामंतवाद तथा गिरोहबंदी की भावना प्रबल होने लगी। अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ चुकी थी। समाज में जातिवादिता का जहर फैल गया था। ऊंची जाति वाले नीची जाति के लोगों को अपने अधीन दबाकर रखना चाहते थे। वे नीची जाति के लोगों को शिक्षा तथा विकास से वंचित रखकर शोषण करते थे। प्रश्न संख्या 18, प्राचीन काल में उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में क्यों बसने लगे? उत्तर, प्राचीन काल में उत्तर भारत देश की पश्चिमोत्तर दिशा से होने वाले आक्रमणों से टूट रहा था। इन आक्रमणों से दक्षिण भारत अप्रभावी था। इसी कारण उत्तर भारतीय दक्षिण भारत में बसने लगे। दक्षिण भारत में इन लोगों को रचनात्मक कार्य का मौका मिला जो उन्हें अन्यत्र नहीं मिल सकता था। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।